चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपने मेरी लास्ट क्लासेस नहीं लगाई तो प्लीज़ मेरी लास्ट क्लासेस लगा लीजिए। उसमें हमने दो चीज़ें कवर की हैं, एक तो है व्हाट इज़ टेंस, टेंस होता क्या है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन। मैं पर आपको ब्रीफ कर देता हूँ। टेंस क्या होता है, एक वर्ब की फॉर्म होती है जो किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम को रेफर करती है, राइट। और सेकेंड क्लास में हमने किया था उसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि उसको आप ट्रांसलेट कीजिए और फिर उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि एक सेंटेंस को अगर आपने देखा तो उसको पहचानिए कि उसका टेंस कौन सा है बाय लुकिंग एट इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखते हैं, आज देखते हैं कि इसकी करेक्शन कैसे करनी है। अगर आपको कोई टेंस दिया हुआ है उसको करेक्ट कैसे करोगे, जैसे आपने कोई टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, उसको किसी कॉन्टीन्यूस फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेंस कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होना चाहिए था, इंडेफिनिट फॉर्म में होना चाहिए था, परफेक्ट फॉर्म में होना चाहिए था, या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होना चाहिए था। मतलब जो उसकी स्टेट लिखी हुई है वो सही है या गलत है, आप कैसे पहचान करोगे, इस लेक्चर में देखते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि टेंसेज जो होते हैं कितनी तरह के होते हैं। टेंसेज जो होते हैं सर, वो बेसिक चार तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड वन इज़ कॉन्टीन्यूस, थर्ड वन इज़ परफेक्ट, एंड द फोर्थ वन इज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब जो ये टेंस है ये बेसिकली क्या है, वर्ब की फॉर्म है, और वर्ब की फॉर्म का मतलब क्या है, एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है, कोई ना कोई हैपनिंग है, डूइंग, तो उसकी कोई ना कोई स्टेट होगी। तो जैसे ही एक्शन की स्टेट चेंज होगी वैसे ही वर्ब की फॉर्म भी चेंज होगी, और एक्शन की स्टेट चेंज होने को ही वर्ब की फॉर्म चेंज होना कहते हैं, और वर्ब की फॉर्म जैसे चेंज होगी उसी को टेंस कह देते हैं। तो ऐसी स्टेट भी हो सकती है कि इंडेफिनिट हो, कॉन्टीन्यूस स्टेट भी हो सकती है, परफेक्ट स्टेट भी हो सकती है, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस स्टेट भी हो सकती है। जैसे मैंने लिखा, दीज आल आर फोर स्टेट्स ऑफ एन एक्शन, तो एक्शन की चार स्टेट्स हो सकती हैं, राइट। तो दीज स्टेट्स कैन अकर इन एनी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ये चार स्टेट्स हैं किसी भी पॉइंट इन टाइम पे अकर कर सकती हैं, वो इधर पास्ट हो सकता है, चाहे वो प्रेजेंट है, और चाहे वो फ्यूचर है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम देखें ध्यान से, तो जो किसी भी एक्शन की बेसिक स्टेट्स होती हैं वो दो ही स्टेट्स होती हैं। किसी भी एक्शन की बेसिक स्टेट्स होती हैं वो दो ही स्टेट्स होती हैं, या तो वो एक्शन कैसा होगा, कंप्लीट होगा, या फिर वो एक्शन कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। अब ये इनकम्प्लीट कम्प्लीट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि कोई एक्शन है, ठीक है। अब दो पॉइंट ले लेते हैं, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। वो एक्शन ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक पहुंच गया। अगर वो बी पॉइंट तक पहुंच गया तो मतलब हमें क्या मिल गया, उसका रिजल्ट मिल गया। हमने कह दिया कि कोई एक्शन है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बी पॉइंट पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अगर वो बी पॉइंट का पे ख़त्म हो गया तो इसका मतलब कि हमें बी पॉइंट पे उसका रिजल्ट मिल गया। अगर हमें उस एक्शन का रिजल्ट मिल गया तो उस एक्शन की जो स्टेट है वो कैसी स्टेट हो गई, कंप्लीट स्टेट। तो कंप्लीट स्टेट किसको कहते हैं, जब हमारे पास किसी एक्शन का रिजल्ट हो। इतनी बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जैसे हमने लिखा इनकम्प्लीट। अब ये इनकम्प्लीट क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया कोई एक्शन ए पॉइंट से चला, ठीक है, लेकिन वो बी तक अभी पहुंचा नहीं है, अब वो अभी रास्ते में बीच में कहीं पे है। अगर वो बीच में कहीं पे है तो उसकी स्टेट वहाँ पे कंप्लीट होगी, इनकम्प्लीट होगी, ऑब्वियसली कैसी होगी, इनकम्प्लीट होगी। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली ग्रेजुएशन की, जैसे मैंने कह दिया मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अब जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो इसका स्टेट जो है कंप्लीट होगी, इनकम्प्लीट होगी, कंप्लीट होगी, क्योंकि इसका रिजल्ट मेरे पास है। अगर किसी सेक्शन का रिजल्ट मेरे पास है तो उस सेक्शन की स्टेट कैसी होगी, कंप्लीट होगी। अगर मैंने कह दिया मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली, तो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन। तो जब हमने एक ऐसा एक्शन लिखा जिसकी स्टेट कंप्लीट है, तो मतलब हमने एक ऐसा एक्शन लिखा जिसकी स्टेट कंप्लीट है, तो उसको हमने कौन से टेंस में लिखा, परफेक्ट टेंस में। मतलब परफेक्ट टेंस क्यों यूज़ किया जाता है, एक ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए जिसकी स्टेट कैसी हो, कंप्लीट हो। आई बात समझ। अब आगे देखते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल ले ली गवर्नमेंट जॉब की, जैसे मैंने कह दिया कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट तो कर लिया लेकिन बी तक नहीं पहुंचा, मतलब जॉब अभी तक नहीं लगी, तो अब बीच में कहीं पे हूँ। अगर बीच में कहीं पे हूँ तो उसकी स्टेट कैसी होगी, इनकम्प्लीट होगी। तो अगर मैं कह रहा हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। जब मैंने ये बात लिख दी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, इसका मतलब क्या है, मैं एक ऐसे एक्शन को दर्शाना चाहता हूँ जिसकी स्टेट कैसी है, इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट एक्शन को दर्शाने के लिए, इनकम्प्लीट स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए हमने कौन सा टेंस यूज़ कर लिया, कॉन्टीन्यूस टेंस। तो कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हैं कैसी स्टेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इनकम्प्लीट। और परफेक्ट टेंस कब यूज़ करते हैं, जब हमने कैसी एक्शन को एक्सप्रेस करना हो, कंप्लीट एक्शन को। दो टेंस क्लियर हो गए, आई होप आपको दो टेंस क्लियर होंगे। अब आगे थर्ड टेंस देखते हैं। अब जो थर्ड टेंस है, जैसे मैंने कह दिया कि आज कितनी डेट है, 24th ऑफ अप्रैल, आज जो डेट है
कितनी डेट है, कितनी तारीख है, 24 अप्रैल। कोई इंसान है आज सुबह 6 बजे उठ गया, कोई इंसान आज सुबह 6 बजे उठ गया, अगर वो 6 बजे उठ गया तो इस पॉइंट पे मुझे बताना है कि उसकी स्टेट कंप्लीट होगी या इनकम्प्लीट होगी। आप सोचिए 2 मिनट, मैंने बोला कि आज 24 अप्रैल है, ठीक है, आज सुबह कोई इंसान जो है सुबह 6 बजे उठ गया, ठीक है, अगर वो सुबह 6 बजे उठ गया तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी जो स्टेट है वो कंप्लीट होगी या इनकम्प्लीट होगी। लेट अस सपोज उसकी स्टेट कंप्लीट है, लेट अस सपोज उसकी स्टेट कैसी है, कंप्लीट है, चलो मान लिया उसकी स्टेट कंप्लीट है, वही इंसान 25 तारीख को फिर से सुबह 6 बजे उठ गया, वही इंसान 25 तारीख को सुबह फिर से 6 बजे उठ गया। अगर उसकी स्टेट 24 तारीख को कंप्लीट हो गई थी तो उसने 25 तारीख को एक्शन क्यों रिपीट किया? कंप्लीट का मतलब क्या था? यहाँ पे उसको रिजल्ट मिल गया। अगर हमें किसी एक्शन का, किसी चीज़ का रिजल्ट मिल गया तो हम उसको रिपीट क्यों करेंगे? तो कहने का मतलब अगर ये एक्शन 25 तारीख को रिपीट किया जा रहा है तो इसकी स्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई। इतनी बात आई समझ? तो हमें पता चल गया कि स्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। अब बात कैसे करते हैं कि इसकी स्टेट यहाँ पे इनकम्प्लीट है या नहीं है। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, इनकम्प्लीट, INCOMPLETE, ठीक है, प्लीज़ इग्नोर दैट। अब हमें ये देखना है कि इस पॉइंट पे उस एक्शन की स्टेट कंप्लीट है या नहीं है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको किसी टीचर ने एक असाइनमेंट दे दी, उसमें आपने 10 चैप्टर्स पूरे करने हैं। कितने चैप्टर्स पूरे करने हैं? 10 चैप्टर्स, ठीक है। आज आपने 5 चैप्टर्स पूरे कर लिए, ठीक है, तो कल कहाँ से स्टार्ट करोगे? 6 से स्टार्ट करोगे या 1 से स्टार्ट करोगे? 6 से स्टार्ट करोगे। 6 का मतलब क्या है कि आपने जो कल काम किया था वो इनकम्प्लीट किया था। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? जहाँ से आपने अधूरा छोड़ा वहीं से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे वापस आते हैं। अब 24 तारीख को इस बंदे ने यहाँ पे सुबह 6 बजे उठा, जो तो 25 तारीख को सुबह फिर से 6 बजे उठ रहा है, तो यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है तो फिर से एक्शन रिपीट कर रहा है, ऑब्वियसली फिर से एक्शन रिपीट कर रहा है। अगर उसने एक्शन फिर से रिपीट किया तो उसकी स्टेट यहाँ पे इनकम्प्लीट भी नहीं है। तो हमें एक ऐसा एक्शन पता चल गया कि जो एक्शन 24 को हुआ, उसके बाद 25 को हुआ, उसके बाद एक्शन फिर 26 को हो गया, फिर 27 को हो गया, एक ऐसा एक्शन जो किसी फ्रीक्वेंसी के बाद रिपीट हो रहा है, एक ऐसा एक्शन जो किसी फ्रीक्वेंसी के बाद रिपीट हो रहा है। और हम ये कह सकते हैं उसकी स्टेट यहाँ पे ना तो कंप्लीट है ना ही इनकम्प्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है कि उसकी स्टेट जो है यहाँ पे ना तो कंप्लीट है ना ही क्या है, इनकम्प्लीट है। तो एक ऐसा एक्शन जिसकी स्टेट ना तो कंप्लीट है ना ही इनकम्प्लीट है, और जो एक्शन किसी ना किसी फ्रिक्वेंसी के बाद रिपीट हो रहा है, तो उसकी स्टेट इनडिफाइंड है, मतलब डिफाइन नहीं की गई, तो उसकी स्टेट हमने कैसे कह दी? इनडेफिनेट स्टेट, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी ये एक्शन देखते हैं कि ये एक्शन कैसा एक्शन है, ये टेंस कैसा है, टेंस है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि प्रेजेंट में कौन सा मंथ चल रहा है, अब अप्रैल मंथ चल रहा है। तो एक इंसान है, उसने कोई बिल्डिंग प्रिपेयर करनी है, उसने कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसको बिल्डिंग बनाने के लिए टोटल कितने मंथ चाहिए? 8 महीने चाहिए, ठीक है। कितने महीने चाहिए? 8 महीने चाहिए। और वो प्रेजेंट में ये खड़ा होकर आज इस मंथ में खड़ा होकर ये बात बोल रहा है कि मैं 4 मंथ से काम कर रहा हूँ। कितने मंथ से काम कर रहा हूँ? 4 मंथ से। तो मैंने ये ग्राफ बनाया, ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि ये टेंस क्या होता है। जैसे ये हमारी लाइन बना ली, प्रेजेंट की लाइन बना ली, ये क्या हो गया? पास्ट हो गया। ये हमने पॉइंट बना लिया फ्यूचर का पॉइंट। ये जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। ये अप्रैल जो है प्रेजेंट हो गया, ठीक है, राइट। अगर कोई इंसान कह रहा है कि वो 4 महीने से काम कर रहा है, मतलब उसने काम कब स्टार्ट किया? जनवरी में। अगर उसने कह दिया 4 महीने से काम कर रहा है, तो जनवरी से लेकर प्रेजेंट तक जो उसने काम किया उसकी स्टेट कंप्लीट होगी या इनकम्प्लीट होगी? उसकी स्टेट यहाँ पे कैसी होगी? कंप्लीट, क्योंकि उतना काम तो वो कर चुका है, उस काम का रिजल्ट तो उसको मिल गया, उस काम का उसको रिजल्ट तो मिल गया। लेट अस सपोज किसी इंसान ने 10 ब्लॉक्स बनाने थे 8 महीने में, ठीक है, तो 4 महीने में उसने 5 ब्लॉक्स बना लिए होंगे, तो जो 5 ब्लॉक्स है उसकी स्टेट कैसी है? कंप्लीट है। तो मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल तक जितना उसने काम किया उसकी स्टेट कैसी होगी? कंप्लीट होगी। लेकिन हमें यह पता है कि उसका जो टोटल काम है वो 8 महीने चलेगा, तो अभी भी उसकी स्टेट आगे कैसी है? इनकम्प्लीट है। स्टिल इफेक्टिव है, एक्शन अभी भी इफेक्टिव, तो उसकी स्टेट यहाँ पे कैसी होगी? इनकम्प्लीट होगी। अगर उसकी स्टेट इनकम्प्लीट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी स्टेट कैसी चलेगी? इनकम्प्लीट चल रही है, ठीक है। तो यहाँ भी इनकम्प्लीट होगी, यहाँ पे कैसी स्टेट होगी? कंप्लीट स्टेट होगी। तो हमें पता है कंप्लीट स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? परफेक्ट टेंस। और इनकम्प्लीट को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? कंटिन्यूअस टेंस। इतनी बात आई समझ? अब देखो, उसने एक सेंटेंस लिख दिया, वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग फॉर 4 मंथ्स। अब यहाँ पे देखिए, अब उसने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लाइन लगा दूँ,
अब यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस यहाँ पे ठीक है क्योंकि उसने साथ में क्या नहीं लगाया, टाइम नहीं लगाया, सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर सेंटेंस यहीं भी ख़त्म हो गया तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे खड़ा होकर इंसान कोई बोल रहा है कि बिल्डिंग प्रिपेयर कर रहे हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, अभी वो बीच में, अगर वो बीच में है तो हमने कौन सा टेंस यूज़ कर लिया, कंटिन्यूस टेंस। लेकिन यहाँ पर उसने क्या कर दिया, साथ में क्या लगा दिया, टाइम लगा दिया। अगर साथ में उसने टाइम लगा दिया तो मतलब उसने कंप्लीशन भी दिखा दी और ये भी दिखा दिया, एक्शन अभी भी चल रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो टेंस होगा वो टेंस गलत हो गया। यहाँ पे हमें कौन सा टेंस यूज़ करना पड़ेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए कैसे से करेंगे इसको। अब ये क्या हमारा टाइम है, ठीक है, अब ये रहा हमारा टेंस। अच्छा, परफेक्ट टेंस की जो एक्सिलरी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है, तो हमने इस आर को काट दिया एक्सिलरी को, तो हमने इसके पहले क्या लिख दिया, हैव। अच्छा, परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस भी यूज़ करना पड़ेगा, कंटिन्यूस की एक्सिलरी कौन सी होती है, बी होती है, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, बी की कौन सी फॉर्म लिख दी, थर्ड फॉर्म। तो हमने इस सेंटेंस को कैसे कर लिया, वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग फॉर 4 मंथ्स। तो इस वे में आप ये सेंटेंस को सही कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये आपको बात समझ आई होगी, ठीक है। तो हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा करेक्शन ऑफ टेंसेस। करेक्शन ऑफ टेंसेस से पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने तरह के टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। हमें पता चल गया कि जो बेसिक स्टेट्स होती हैं वो दो ही होती हैं, या तो वो कम्प्लीट होगी या फिर वो कैसी होगी, इनकम्प्लीट होगी। अच्छा, जो कम्प्लीट स्टेट होती है, जो कंप्लीट स्टेट होती है उसके लिए कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। कंप्लीट स्टेट का मतलब क्या है, उस एक्शन का रिजल्ट हमें मिल गया, ठीक है। अब अच्छा, कोई एक्शन ऐसा भी हो सकता है कि वो इनकम्प्लीट हो, ए पॉइंट से चला लेकिन एंड तक वो पहुंचा नहीं, अगर एंड तक पहुंचा नहीं तो बीच में वो किस में होगा, कॉन्टीन्यूटी में होगा, इसी वजह से इनकम्प्लीट के लिए हमने कौन सा टेंस यूज़ कर दिया, कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, अब एक ऐसा एक्शन जो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे कोई बंदा है आज स्कूल चला गया, ठीक है, तो आज अगर वो स्कूल चला गया, घर पर वापस आ गया, क्या शाम को उसका एक्शन कम्प्लीट हो गया, अगर उसका एक्शन कम्प्लीट हो गया तो कल को फिर से क्यों जा रहा है वापस, तो नहीं जाना चाहिए, तो कल से फिर भी कल को फिर से जा रहा है, तो उसकी स्टेट यहाँ पर कम्प्लीट भी नहीं हुई। अच्छा, उसकी स्टेट यहाँ पर इनकम्प्लीट भी नहीं हुई, तो एक ऐसा एक्शन जो किसी फ्रीक्वेंसी के बाद रिपीट हो रहा है तो उसकी स्टेट डिफाइन नहीं हो पा रही कि वो कम्प्लीट है इनकम्प्लीट है, तो उसकी स्टेट को हमने क्या कह दिया, इनडेफिनेट स्टेट। तो इनडेफिनेट स्टेट का मतलब क्या है, वो एक्शन कैसा होगा, फ्रीक्वेंट होगा। लास्ट में हमने पढ़ा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या है कि वो एक्शन जो है आधा कंप्लीट हो गया, उसने साथ में कोई ना कोई टाइम दिया होगा कि कितने टाइम से कोई इंसान काम कर रहा है, जितने टाइम से वो इंसान कोई काम कर रहा है उतने टाइम की परफेक्शन लगानी पड़ेगी। लेकिन हमें यह पता है कि वो एक्शन अभी भी कंटिन्यूटी में है, मतलब इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट के लिए कौन सा टेंस यूज़ करना पड़ेगा, कंटिन्यूस टेंस। तो ऐसे एक्शन जिसमें दो स्टेट्स होंगी, कंप्लीशन प्लस पार्शियल कंप्लीशन, ठीक है, पार्शियल कंप्लीशन भी होगी और वो अधूरा भी होगा, तो स्टेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कौन सा टेंस यूज़ करना पड़ेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी एक्सिलरीज कौन सी होती है, हैव प्लस बी, तो इसको हमने बोल दिया पार्शियल कंप्लीटेड स्टेट, ठीक है। तो आई होप आपको ये करेक्शन ऑफ टेंसेस समझ आई होंगी। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।